पीएम मोदी को धमकी देने वाली पाक गायिका को जाना होगा जेल, वारंट जारी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद सांप और मगरमच्छ हाथ में लेकर पीएम मोदी को धमकी देकर सुर्खियों में आई पाकिस्तान की पॉप गायिका रवि पीरजादा के खिलाफ लाहौर की एक अदालत ने शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। जी हां, रवि पीरजादा पर जंगली जानवरों को पालतू बनाकर रखने का आरोप है। वही हम आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को मॉडल टाउन अदालत में की गई, जिस दौरान जज ने गायिका को अदालत के समन की अनदेखी करने के लिए फटकार लगाई। इतना ही नहीं, रवि पीरजादा पर चार अजगर, एक मगरमच्छ और पार्लर में पालतू जानवरों के रूप में सांपों सहित अन्य जंगली जानवरों को रखने का आरोप है। पंजाब वन्यजीव संरक्षण एवं उद्यान विभाग ने इस महीने की शुरुआत में पीरजादा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। वही हम आपको बता दें कि वन्यजीव संरक्षण विभाग ने गायिका पीरजादा के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की है। इसके अनुसार मगरमच्छ, सांप, अजगर और अन्य सरीसृपों को अपने पास रखना प्रतिबंधित है। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि ये मामला उस समय सामने आया जब सोशल मीडिया पर साझा की गई पीरजादा की तस्वीरों और वीडियो को एक टीवी चैनल ने प्रसारित किया। इसके बाद अधिकारियों ने पीरजादा पर कानूनी कार्रवाई की योजना बनाई। अब अदालत ने पीरजादा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। वही हम आपको बता दें कि वीडियो में गायिका रवि पीरजादा सांप, अजगर और मगरमच्छ के साथ पीएम मोदी को धमकी देते हुए कह रही थी कि मैं कश्मीर की लड़की, अपने सांपों के साथ बिल्कुल तैयार हूँ, ये सारे नरेंद्र मोदी के लिए है। तुम कश्मीरियों को तंग कर रहे हो ना, तो अब नरक में मरने को तैयार हो जाओ। मेरे सभी दोस्त शांति चाहते हैं।